सो गाइज वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स आवर एशियन सुपर मार्केट एंड हम जा रहे हैं और मेरे साथ असद भाई जो यूके रह क्या है एक्चुअली आप किस यूनिवर्सिटी में भाई वहाँ पे गए थे इंटर्नशिप? यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम के हिसाब से गया था एंड वहाँ पे मैं 3 मंथ्स रहा था। ओके, यूके एंड इटली में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड ड्राइविंग सिस्टम लाइक रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो यहाँ पे काफ़ी सिमिलैरिटीज है जैसे आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया और यहाँ पे भी। काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, और भी कुछ आप बता दो जैसे कि कुछ बच्चे सोचते हैं यूके जाना है इटली जाना है तो जैसे मैं तो हमेशा प्रेफर करूँगा इटली आओ यार फ्री एजुकेशन है हर चीज़ फ्री है। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इटली फार चीपर देन यूके बट इन यूके आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम। या एक तो है यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है जैसे हम सबको क्या करना पड़ रहा है जिनको समझाना पड़ रहा है इनको बताना पड़ रहा है ट्रांसलेटर यूज करके। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि देखो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ हमारी जो खाने की जो सिस्टम है वो हमारी है देसी अपने खाते हैं इंडियन वहीं साउथ ईस्ट एशियन खाना और चाइनीज़ खा लेते हैं हम लोग इटालियन से उतना फैमिलियर नहीं है। तो असद भाई को भी दिक्कत हुई रात को मेरे को भी थोड़ा सा हुई हम लोगों ने खाना एक ऑर्डर किया 25 यूरो का 2 बर्गर्स पड़े थे हमें और 3 बर्गर्स थे बिकॉज वी आर थ्री पीपल एंड थोड़ा सा पानी हमने 2 बोतल किया तो वो हमें को 25 यूरो पड़ गई। तो पैसे का मानना नहीं है हम लोगों को दिक्कत था हमें वो पसंद नहीं आई हम लोग कैसे भी खाएं बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव बट राइट नाउ हम इसीलिए जा रहे हैं इसी सुपर मार्केट ताकि हम कुछ अपने लिए यार इंडियन एंड कुछ फूड्स ले लें एंड चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का बस स्टॉप। जैसे मैंने बताया था देखो सामने फेरमेता लिखा हुआ है फेरमाता सेम ऐसे ही हर जगह आएगी आप पूरे इटली में आप पालोगे ऐसे ही मिलेगी आपको बस स्टॉप्स और आपको वहीं पर रख के सारी चीज़ें करनी है। और मैं आपको कुछ पीछे का व्यूज़ दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके आप देखो या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो देखो कैसे यहाँ पे पूरी आर्किटेक्चर कैसे पूरी सिस्टम है आपको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके देख सकते हो यहाँ के पीछे जो घर हैं जो भी यहाँ की सेक्शंस हैं काफ़ी अच्छी है यार। और सबसे बड़ी बात है यार कि इतनी धूप में भी वी आर फीलिंग सो एनर्जेटिक बिकॉज यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। गाइस वी आर हियर राइट नाउ इन द सेंट्रल एरिया इसको पियाज़ा बोलते हैं एंड मैं आपको सामने जो दिख रही है वो इटली की पोस्ट ऑफिस है एंड आपको इधर फिर से वो मेडिटेरियन वाले सीज व्यूज एंड सब चीज़ आने लगती है और वो रहे दो सामने मेरे जो दोस्त जा रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे के लिए। और अभी कुछ बात करते यार इच्छुना मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ब्लॉग्स में बताऊँगा दैट वाई आई हैव चूजन इटली so there are so many reasons like you know that why I have chosen Italy for my higher studies। अभी कुछ समराइज करते हैं like you know in short मैं बता दूँ मैंने इटली चूज़ किया था यार देखो यहाँ पे एजुकेशन तो पहले टॉप नॉच रहती है इनकी ग्लोबल एजुकेशन रहती है यहाँ पे फ्लैक्सीबल क्लासेज होती हैं फीस पूछने लगती है पे नहीं करना है यू कैन गेट इटालियन स्टडी वीज़ा विद इन 70K 15K इन इंडियन करेंसी। सो आई थिंक एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाती है और यहाँ की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्यों मैंने इटली चूज़ किया। मेरे पास ऑप्शंस थे और भी कंट्री जाने का जैसे माल्टा है एंड ग्रीस है सम अदर कंट्रीज बट मैंने इटली चूज़ किया। देखो यार सिंपल सी चीज़ बताता हूँ भाई अपने मिडिल क्लास बंदे तो अपने को चाहिए था जहाँ पर अच्छे से पढ़ ले रह ले फ्री में कुछ पेरेंट्स पे बर्डन ना हो और क्वालिटी एजुकेशन मिले टॉप नॉच एंड कुछ यूरोपियन कल्चर मिले ऐसे एक्सप्लोर करने को तो बस मिल गया यार। और यहाँ से इजी है जाना यूके यूएस कनाडा यू कैन ईजली माइग्रेट टू दीज कंट्रीज। सो मेरी तो 3 साल की प्लानिंग यही है भाई यार कि अपने को करना है इधर एंड देन अपने को माइग्रेट करना है यूके वहाँ से मास्टर्स एंड देन प्रॉपर सेटलमेंट हो जाएगी यूके में। यार बहुत तेज़ हवा चल रही है इधर आप देख सकते हो मेरे बाल उड़ने लग रहे हैं कोस्टल एरिया है तो यहाँ पर हवा चलेगी और धूप है लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। सो यू नो वी आर राइट नाउ नियर बाई आवर एशियन सुपर मार्केट सो वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं आपको आपको दिखाते हैं कैसा अपना एक्सपीरियंस रहा हमने क्या क्या खरीदा एंड चलते हैं वहाँ से फिर वीडियो बनाते हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं ये बांग्लादेशी सुपर मार्केट जिसके बारे में बात कर रहा था जहाँ हम शॉपिंग करने जा रहे थे और आप देख सकते हो अभी मैं पियाज़ो पे खड़ा हूँ मैसीना पियाज़ो पे सेंट्रल पे एंड
मेरे सामने जो है वो बांग्लादेशी सुपर मार्ट है, ये जो बांग्लादेशी ऑनर है, जिनके ऑनर है फवाद भैया, जो बहुत अच्छे हैं। अभी हमने शॉपिंग की ऑलमोस्ट 15 यूरोज की, कुछ ग्रोसरी शॉपिंग्स, फिर उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छे से बात की। फिर हमने कुछ इंडियन पाकिस्तानी स्टूडेंट से मिले, काजिम भाई एंड अनुराग भाई, जो अभी वो बात कर रहे हैं, अनुराग भाई हैं वो वैसे के साथ, तो सो वो इंडिया से हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेंगी। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी शॉप है, जो हलाल खोजते हैं, हलाल मीट, जो आते हैं पाकिस्तान इंडिया से, तो उनको भी यहाँ बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो आइए मैं शॉप का एक छोटा सा टूर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये प्याजों के सामने है, मार्क के लिए हलाल अलीम तैयारी, एक छोटी सी सुपर मार्ट है। तो सामने में कुछ ऐसे यहाँ पे आलू है एंड शायद ये कद्दू है, और ये हमारी जो मिलती है वो हम लोग की तरफ एक फ्रूट है, एंड देन ये कैबेज है, और ये भी अपनी वो तोरी है, टमाटर है, एंड ये नींबू है शायद। सो ये यहाँ पे रेट है, ये होल बोलते हैं हमारे साइड, ये जो नीचे वाला प्रोडक्ट है। फिर यहाँ ये जो देख सकते हैं ये ओनियंस हैं, ये रेड ओनियंस हैं, तो आप जो चाहेंगे हम मिल जाएगा शॉप पे। केमिकल इंजीनियरिंग डायनामिक्स, एंड ये एंट्रेंस है शॉप की, बट बिकॉज ऑफ कि मैं नेपलीज हूँ उसकी वजह से मेरे को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको पानी पूरी भी मिल जाएगी, और ये आपको मिलेगी 5 यूरो में, जो कि जो पानी पूरी खाते हैं, फिर मैं खाता नहीं, वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिर से ये कुछ लिस्ट है, एक सीट से कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगी जो 1 यूरो की है, एंड आपको वनीला स्कैंडल, यहाँ पे आपको मैच बॉक्स भी मिल जाएगी, मैच बॉक्स, इंसेंस स्टिक्स, ये आपको अगरबत्ती है, और बेसिकली ये आपको मिलेगी 4.15 यूरोस की, एंड यहाँ पर भी अगरबत्ती इसकी है स्टोर है, ये 1 यूरोस की है, और सारे फ्लेवर्स हैं उनकी, और ये शायद कुछ और बूंदी है, और शोई विलामा कुछ आइटम्स हैं जो डेली यूज होती हैं, एंड देन नीचे हगीज स्टूडेंट बेबीज़ की, फिर ऑयल है, एंड देन आप देख सकते हो। और भाई लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अचार भी मिल सकती है, पिकल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, लाइक आपको 4.50 यूरोस की है, नेस्ले सेरेलैक्स आप देख सकते हो, जो सारे आइटम है ऑलमोस्ट 2.15 से 4 पे वैरी कर रही है। और ये जो सोन पापड़ी है ये है 2.15 यूरोस, यानी कि इंडियन करेंसी में हुई ऑलमोस्ट आपको 180 यूरोस के आसपास की एक सोन पापड़ी आपको मिलेगी। फिर यहाँ मैगीज़ है, नीचे ये मसालेज़ हैं, मसालों का भी रेट 2-3 यूरोज़ ही सब वेरी कर रहा, आप देख सकते हो, सारे एशियन मसालेज़ हैं, सारे एशियन मोस्टली, और ऊपर बासमती राइस एंड पॉन्ड्स, ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे टोस्ट भी है जो कि 2 यूरोज़ की पड़ती है, एंड जो खाते हैं मैगीज़ नूडल्स उनके लिए 2.15 यूरोज़ की नूडल्स हैं, मसालेज़ भी ऑलमोस्ट 2 यूरोज़ 3 यूरोज़ की आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर भिंडी है सब्ज़ी में, हम ये भी हमने लिया, हमने ये भी सारे चीज़ लिए जो भी दिख रही है, सो ऑलमोस्ट पड़ी 1-2 यूरोज़ की, एंड देन आप अगर टाटा टी प्रीमियम देखो, यहाँ पे 6 यूरोज़ की मैंने लिया, ये छोटे वाले हमें 6 यूरोज़ की पड़ी थी, हमने लिया था। एंड देन यहाँ पे बटर घी है, मस्टर्ड ऑयल हमने भी लिया, बट हमने बड़े वाला लिया, तो हमें पड़ा था 3.15 यूरोज़ का, 8 यूरोज़ का था। कोकोनट ऑयल, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, एंड बाकी आप चीज़ देख सकते हो, जो भी चीज़ें दिख रहे हैं सब 2-3 यूरोज़ की। नीचे ग्राम राइस है, और फ्लोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो आटे हैं, चावल है, ये सेवैया है, ये दाल है, इवन यहाँ पे पापड़ उपड़ भी है, तो सब आपको जो है ये चीनी है, ये 4 यूरोज़ की सब पड़ेंगी। और यहाँ पे आपको मोस्टली आपको चिकन उकन भी मिल जाएंगी, एग्स है, एक्स की तो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ये भी 6-7 यूरोज़ की, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। यहाँ चिप्स है, जो चिप्स उप्स खाते हैं, जो ये खाते हैं उनके लिए सब चीज़ें, मैं तो खाता नहीं, और मैं बात करूँ और भी चिप चीज़ों का, तो आप देख सकते हो, सब चीज़ देख सकते हो आप यहाँ पे क्या क्या है, ये सारी चीज़ 1-2 यूरो में, जितने आप आइटम देख रहे हो। और बाकी इधर की जो भी आइटम है आपको 2-3 यूरोज़ में, ये भी वेरी करती हैं, कुछ 4-5 यूरोज़ की भी आती हैं। और यहाँ देख लो, ये चपाती आटा है, जो कि 1.30 यूरोज़ की आती है ये, बट इसमें अभी राइस है, चपाती आटा कहीं और है, ये आपको राइस की है, जो ये वाली राइस हमने भी ली, 2 यूरो पर केजी पड़ी, ये नॉर्मल राइस है,
ये आपको मूंग चना, ये आपको मसूर दाल है, तो ये पड़ी 2 यूरो की। ये आपको है ये आपको मसूर दाल, ये भी 2 यूरो की है। ये बासमती राइस है 2.15 यूरोस की। वियाजो, एक मिनट लेट मी चेक इट, ये भी एक राइस है जो 2.15 की है। तो बेसिकली ये है इनकी शॉप की टूर, आप देख सकते हो। एंड आप यहाँ पे आओ, जो भी स्टूडेंट्स आने वाले सिंटेक में, आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं लोकेशन डाल दूंगा अपने वीडियोस में, आप आओ। फवाद भाई यहाँ के ऑनर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उनसे बात हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई ड्रिंक्स ले सकते हो। इफ़ इफ़ यू यू नो इफ़ यू लव टू ड्रिंक लाइक बियर एंड ऑल दोज स्टफ्स, देन यू कैन फ्रॉम हेयर। एंड बाकी ये भी चीज़ यहाँ से आप ले सकते हो। एंड मैं लोकेशन का एग्जैक्ट मैं डाल दूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग यहाँ पे मैंने एक चीज़ पाया यार, कि अपने पूरे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आइटम्स यहाँ मिल जाते हैं, और साथ ही साथ रिजनेबल रेट्स पे मिलते हैं। सो आप यहाँ आ सकते हो, वहाँ से सारी चीज़ ले सकते हो। ये भाई की ये है, और अपना भाई है छोटा सा, फवाद भाई का भाई है। बाकी यही सब एक छोटी सी स्टोर है जहाँ से आप सारी चीज़ें खरीद सकते हो। एंड होप आपको ये वीडियो मतलब कि बहुत हेल्पफुल होगी, जो भी इंटेक्स में आने वाले स्टूडेंट्स हैं। एंड अगर आपको 100 पाउंड की नंबर चाहिए, मशीन आने के बाद आप एड्रेस नहीं मिल पा रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फवाद भाई का नंबर दे दूंगा, आप यहाँ आ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, और जल्दी मिलते हैं।